What is up, my net samrajans? And kaise kya mitranno? So, दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपको शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में जाना हो या फिर आपको ट्रेन से ट्रेवल करना हो तो आपको आपके दोनों कोविड के डोज कंप्लीट होने चाहिए, राइट? और उसके बाद में दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद में आपके 14 डेज भी कंप्लीट होने चाहिए एंड देन ओनली यू वुड बी अलाउड टू ट्रेवल बाय ट्रेन और गेट एन एंट्री इन अ मॉल, ओके? लेकिन दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी 80-90% लोगों ने तो दोनों डोज ले लिए हैं, ठीक है? सो उनके पास फाइनल सर्टिफिकेट भी है कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो किसी मॉल में जाते हैं या फिर टिकट काउंटर में जाते हैं, ट्रेन के टिकट काउंटर पे जाते हैं, तो उनको उसका फोटो कॉपी दिखाना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, या फिर मोबाइल ओपन करके उनको उसका स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, या अगर आपने उसे मेल में रखा होगा तो मेल ओपन करके दिखाना पड़ता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनकी एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहां से आप एक यूनिवर्सल पास बना सकते हो और वो भी फ्री में, आपको किसी को पे नहीं करना है, आप खुद आपके मोबाइल से ये यूनिवर्सल पास बना सकते हो। अगर आपके दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं और डोज के बाद में आपके 14 डेज भी हो चुके हैं, देन ओनली यू बी एबल टू डाउनलोड योर यूनिवर्सल पास फ्रॉम दिस गवर्नमेंट वेबसाइट। सो आज मैं आपको बताने जाऊंगा दोस्तों कि आप इस यूनिवर्सल पास को कैसे फ्रीली इजीली आपके खुद के मोबाइल फोन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, बना सकते हो और उसका आप एक प्रिंट आउट लेके उसे लैमिनेट करके आप यूज कर सकते हो ट्रैवलिंग में या किसी मॉल में अगर आपको दिखाना हो तो। सो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि यूनिवर्सल पास कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो आपके मोबाइल फोन पर। नाम में सब कुछ है, किंग ऑफ ऑल आर्ट। सो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले अपना फोन लीजिए और फोन में आपका जो भी ब्राउजर होगा जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या आपका अगर आईफोन है तो उसमें आपके पास सफारी होगा तो उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपको ये वेबसाइट पे जाना, मैं वेबसाइट का नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वेबसाइट का नाम है दोस्तों epassmsdma.mahait.org, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, ठीक है? तो ये आपके स्क्रीन पे ऐसा दिखाई देगा ये वेबसाइट। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजन्स। दैट मीन्स अगर आपके दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं और आपके 14 डेज भी कंप्लीट हो चुके आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, उसी के बाद ही आपको यहां से आपका यूनिवर्सल पास डाउनलोड करने मिलेगा। आप जनरेट कर सकते हो पास, लेकिन डाउनलोड करने तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके दोनों डोज के बाद 14 डेज आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है? सो हमें अभी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजन्स। सो दोस्तों आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आपने जब आरोग्य सेतु या फिर कोविन जो ऐप है जो बेसिकली हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करते थे उसमें आपने आपका जो मोबाइल नंबर मेंशन किया होगा तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो जस्ट मेंशन योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर इसमें एंटर कीजिए, सेंड ओटीपी पे आपने क्लिक करना है, आपको तुरंत एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पर, एक एसएमएस आ जाएगा और आपको वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप वहां पे देखोगे कि आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ था आरोग्य सेतु पे या फिर कोविन ऐप पे या वेबसाइट पे, आपके जो भी डिटेल्स होंगे, अगर आपने आपका खुद को ही रजिस्टर किया था तो आपका खुद का नाम यहाँ पे होगा, अगर आपने आपके उस मोबाइल से आपके एक फैमिली मेंबर्स को भी उसमें ऐड किया होगा तो उन सबके लिस्ट भी यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगे। सो अभी आपको यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगा, जो भी मेंबर्स आपने ऐड किए थे आरोग्य सेतु या कोविन ऐप में वो यहाँ पे आपको सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति का या जिस पर्सन का आपको पास बनाना है, यूनिवर्सल पास बनाना है, उसके आगे जो जनरेट पास लिखा गया है ऑप्शन उस पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे मैं, मेरा नाम है, उसके आगे जो जनरेट पास लिखा गया है मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे आप दोस्तों जनरेट पास पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि आपके पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम, आपका बेनिफिशियरी आईडी, जो आपने आरोग्य सेतु ऐप के वक्त आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने मेंशन किया था वो सब आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपकी डिटेल्स, आपने कौन सा वैक्सीन लिया था कोविशील्ड या कोवैक्सीन वो भी सब यहाँ पे आएगा, कौन से डेट पे आपने वैक्सीनेशन लिया था, फर्स्ट वैक्सीनेशन कब लिया था और सेकंड वैक्सीनेशन आपने कब लिया था, ये सभी इन्फॉर्मेशन, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड फोटो। सो आपका जो यूनिवर्सल पास जो बनेगा वो आपका फोटो के साथ बनेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज,
तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल में आपका कोई अच्छा क्लोजअप फोटो होगा, उसे आप सिलेक्ट कीजिए और नीचे ऑप्शन दिया गया है आई कन्फर्म अपलोडेड फोटो इज गुड फॉर यूनिवर्सल पास एंड नीड नो चेंज, सिलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, आपको वहां पे मैसेज आएगा कि यूनिवर्सल पास विल बी सेंड टू यू इन 24 आवर्स ऑन SMS। आपको SMS आ जाएगा, उसमें आपको लिखा जाएगा कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसे ओके क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। तो दोस्तों, अब ये जो हमने प्रोसेस किया, ये हमने पास जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस किया। दैट मीन्स आपका पास, यूनिवर्सल पास इस वेबसाइट पे बन चुका है। अभी आपको उसे डाउनलोड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। सो आपको क्या अभी क्या करना है, सेम वेबसाइट पे जाना है, आपको यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजन को क्लिक करना है, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपको फिर से OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसे एंटर कर दीजिए। सो आप जैसे आपका OTP एंटर करोगे दोस्तों, तो आपको आप डिटेल्स आपका आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो आपके नाम के आगे अभी वहां पर व्यू पास का ऑप्शन आया है, अभी वहां पे जनरेट पास का ऑप्शन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे जनरेट कर चुके हैं। अभी हमें उसे व्यू करना है, जो हमने डिटेल्स मेंशन किए थे, अभी हमें उसे व्यू करना है, तो हमें व्यू पास पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने व्यू पास पे क्लिक किया है, मेरा यूनिवर्सल पास जनरेट हो चुका है और ये इस तरह आपको आपका यूनिवर्सल पास दिखेगा। आपको दोस्तों अभी क्या करना है, इसे यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप उस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो इट्स बेसिकली अ PDF फाइल। आप उस PDF फाइल को आपके मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो। जब आपने ये PDF फाइल आपने डाउनलोड कर लिया है, देन आपको क्या करना है, इसको एक प्रिंट करना है। सो आप क्या कीजिए, एक जेरोक्स वाली दुकान पे जाइए, जहाँ पे प्रिंटआउट भी मिल जाएगा आपको और आपको आपको लैमिनेट करके भी मिल जाएगा। सो ये फाइल उन्हें आप भेज दीजिए, उनके ईमेल आईडी होते हैं, हर एक जेरोक्स शॉप का एक ईमेल आईडी होता है, उन्हें आप मेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। वो आपका ये जो यूनिवर्सल पास है उसका एक प्रिंटआउट लेंगे और एक छोटा सा आईडी साइज में आपको एक यूनिवर्सल पास को लैमिनेट करके देंगे। इट्स बेसिकली 30-40 रुपीज होगा, आपको लैमिनेट करके देंगे। सो दोस्तों, ऐसा होता है आपका यूनिवर्सल पास, इतना छोटा सा है। आपको एक बार आपका ये यूनिवर्सल पास बन गया दोस्तों, तो आपको कोई जेरोक्स कॉपी लेने की जरूरत नहीं, आपको कोविशील्ड या कोवैक्सीन का सेकेंड डोज का आपको जेरोक्स कॉपी लेने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में आपको ईमेल में या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। इसे आप लैमिनेट कर दीजिए और आपके वॉलेट में रख सकते हो। ये आपका वॉलेट है दोस्तों, यानी आपका यूनिवर्सल पास है, इसे आप इजिली कैरी कर सकते हो आपके वॉलेट में। इट्स सो सिंपल। सो अगले टाइम अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, या अगर आपको रेलवे टिकट निकालना है, अगर आप काउंटर पे जाते हो वहाँ पे, तो आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है या फिर जेरोक्स पेपर निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस यूनिवर्सल पास को निकाल दीजिए लैमिनेट किए हुए, उनको डिस्प्ले कर दीजिए और आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, तो आप इस यूनिवर्सल पास को बताइए, आपको अभी एंट्री मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये था यूनिवर्सल पास बनाने का एक सिंपल सा फ्रीली प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बताई है आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग जिन्हें पता नहीं इस बारे में, जो अभी भी जेरोक्स कॉपी यूज़ कर रहे हैं सेकेंड वैक्सीनेशन कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, उनके लिए दोस्तों बहुत फायदेमंद होगा। सो दैट दे कैन कैरी दिस यूनिवर्सल पास इफ दे वॉन्ट टू ट्रैवल बाई ट्रेन और बाय बस और इफ दे आर विजिटिंग एनी शॉपिंग मॉल। दोस्तों, आपको और एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। 24 नवंबर से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल कर दिया। दैट मीन्स आप अभी दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट का ऐप है, मैं आपको बताऊंगा, ये जो गवर्नमेंट का ऐप है, इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। बेसिकली आपने देखा होगा लास्ट 2 साल ऑनलाइन टिकट बुकिंग गवर्नमेंट ने बंद करके रखा था, बट अभी उन्होंने ये फिर से ऑप्शन अलाउ किया है। आपको टिकट के क्यू में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी रेगुलर टिकट जो होते हैं वो बुक कर सकते हो। सो दोस्तों, इस ऐप का नाम है UTS, दिस इज अ गवर्नमेंट ऐप, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप जो डेली ट्रैवल करते हो, या तो अगर आपको कभी ट्रैवल करना हो बाय ट्रेन और आपको टिकट की क्यू में खड़े नहीं रहना है, आपको तुरंत मोबाइल के थ्रू आपको टिकट बुक करना है, ठीक है, तो टिकट निकालना है, तो आप इस ऐप के थ्रू टिकट निकाल सकते हो। इस ऐप का नाम है UTS, आप इसे प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें से रजिस्टर कीजिए, आपका मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, एंड देन यू सिलेक्ट योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी है,
मेंशन कीजिए, फेयर आएगा आपको, आपका भाड़ा कितना लगेगा, 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया वो आएगा, आप उसे पे कीजिए, टिकट आपके मोबाइल में है। अगर आपको कोई टीसी पूछेगा टिकट के बारे में तो आप उसको मोबाइल का ये डिस्प्ले बता दीजिए। ये बहुत से लोगों को पता है, लेकिन दोस्त गए 2 साल से ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग गवर्नमेंट ने स्टॉप करके रखा था, आपको ऑफलाइन ही टिकट अवेलेबल मिल रहा था, ठीक है। बट अभी 24 नवंबर से गवर्नमेंट ने फिर से स्टार्ट किया है, सो आप इस ऐप का यूज़ करके आपका जो डेली अगर आपको टिकट निकालना हो तो आप इसे टिकट निकाल भी सकते हो, या तो आपका पास निकाल तो पास भी निकाल सकते हो। सो दैट वॉज इट दोस्तों, मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा है। मैं जब टिकट काउंटर पे गया था, मैं रिसेंटली भी ट्रैवल किया था, तो मैं भी टिकट क्यू में खड़ा था, जब टिकट काउंटर पे गया तो लोगों को देखा कि वो अपने हाथ में जेरोक्स लेके खड़े हैं सेकेंड डोज का, कोई मोबाइल से निकाल ढूंढ रहा है, ईमेल ढूंढ रहा है, सर्टिफिकेट कहाँ पे, कोई इसने स्क्रीनशॉट लिया है। सो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स, हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे YouTube चैनल से आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आपका भी भला हो जाए, आई थिंक सो। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मोटिवेशन के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार इन आवर नेक्स्ट व्लॉग विद सम इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर यू। टिल देन, हास्ता ला विस्ता, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट, लेट्स गो, yeah!